वेलकम टू नॉलेज ऑफ आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जॉइंट्स के मुतालिक पढ़ा था, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर, राइट फुल आउटर जॉइन। तो आज कुछ हम नेचुरल जॉइन, क्रॉस और सेल्फ जॉइन के मुतालिक पढ़ेंगे। एक्चुअली नेचुरल जॉइन भी आपके बिल्कुल आइडेंटिकल होता है इनर जॉइन के, ठीक है ना। जो बिहेवियर इनर जॉइन का है वो भी आपके नेचुरल जॉइन का ही होता है। नेचुरल जॉइन एक्चुअली क्या करता है कि जो आपकी एक टेबल में, जैसे ये टेबल है डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, दो टेबल्स के अंदर जो आइडेंटिकल आइटम कॉलम्स होते हैं इन दोनों को वो ऑटोमेटिकली जॉइन कर देता है, राइट। रिजल्ट इनका इनर, जैसे दोनों टेबल्स का डेटा मैच करेगा और उसको आपको रिजल्ट देगा जस्ट लाइक दिस, कि इनर जॉइन दोनों टेबल का डेटा मैच होगा और आपको वो रिजल्ट देगा, रिटर्न्स, रो रिटर्न्स कर देगा। तो नेचुरल जॉइन भी यही करता है। वहाँ पे आपको कोई कॉलम मेंशन नहीं करने पड़ते, सिर्फ दो टेबल्स देते हैं आप, टेबल वन और टेबल टू के दरमियान आपका नेचुरल जॉइन हो जाता है आइडेंटिकल कॉलम के दरमियान, जो कॉलम दोनों टेबल्स में आइडेंटिकल हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आती है कि अगर यहाँ पर ऐसे हो आपके पास मैनेजर आईडी और यहाँ पे भी आपके पास मैनेजर आईडी हो और ये फॉरेन की प्राइमरी कीज़, ये प्राइमरी कीज़ और ये फॉरेन कीज़ का रिलेशन इसके दरमियान हो, तो इस केस में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसके क्यूरीज को। तो देखते हैं हम अपनी लैब की तरफ और फिर आपको कंप्लीट समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्यूरी है, ये किनर जॉइन की क्यूरी है अपनी, राइट। तो सिक्स रो आएगी आपकी, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट हेड फ्रॉम एम्प्लॉयज, इनर जॉइन। तो इनर जॉइन आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय, इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो हम देखे हैं नेचुरल जॉइन क्या होता है, आपको सिर्फ यहाँ पर नेचुरल जॉइन करना है, नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट्स, राइट। देखिए सिक्स रोज सेम आइडेंटिकल रोज आपके पास आएंगे, यहाँ पे आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन जैसे दिस जो हम दोनों की आईडीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, नेचुरल जॉइन में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली जो आपके आइडेंटिकल या सेम कॉलम होते हैं वो उसको ज्वाइन कर लेता है, राइट। और जो दूसरा सिनेरियो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक से ज़्यादा आइडेंटिकल कॉलम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ यहाँ पे जॉइन लिखना है और यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी, राइट। सेलेक्ट सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट हेड फ्रॉम एम्प्लॉयज, जॉइन डिपार्टमेंट यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी, राइट। तो आप डिपार्टमेंट आईडी के अलावा दूसरा कॉलम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैनेजर आईडी भी लिख सकते हैं, तो उसके बेस भी आपको बताना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि आपके कौन से कॉलम पे आप ये नेचुरल जॉइन लगाना चाह रहे हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था नेचुरल और उस जॉइन में। तो अच्छा, तो अभी एक हमारे पास टेबल है, अब बात करते हैं सेल्फ जॉइन की। राइट, ये सेल्फ जॉइन है, ये कॉलम है मैनेजर का और ये फॉरेन की, मैनेजर फॉरेन की है आपके एम्प्लॉय आईडी की, राइट। और देखें नंबर टू जो है एम्प्लॉय आईडी आशिफ का, मैनेजर है नंबर वन आसिफ और इसका मैनेजर है किंग का काशिफ और अमान का मैनेजर है किंग, राइट। और सईद का जो मैनेजर फोर है, फोर आईडी आपकी अमान की है, सारा का कोई मैनेजर नहीं है, ठीक है। और सिक्स नंबर रियाज का जो मैनेजर है वो है सारा, राइट। तो अब हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने सेल्फ ज्वाइन करना है। तो सेल्फ ज्वाइन के लिए हम एक्चुअली
कुछ क्यूरी चाह रहे हैं कि जिसमें आपकी मैनेजर भी आए, उसके सामने उसका नेम भी आए। यहाँ पे मैनेजर आईडी तो आ रही है, इसके आगे इसका नेम भी आ जाए। तो एक नंबर आईडी किसकी है? आसिफ की है, तो इसके आगे इसका आसिफ का नेम आ जाए। तो हमें सेल्फ ज्वाइन करना पड़ता है। और ये आपको पता है ज्वाइन के लिए दो टेबल्स होना ज़रूरी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सेम टेबल को इलियास दे देंगे, ठीक है ना। जैसे इम्प्लॉइज़ इसका इलियास W कर देंगे, और एक और इम्प्लॉइज़ टेबल है जिसका हम इलियास M कर देंगे, M फॉर मैनेजर और W फॉर वर्कर, राइट। तो इसकी क्यूरी हम देखते हैं। एक मैंने क्यूरी इसकी लिखी हुई है, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी W, दिस वन फ्रॉम एम्प्लॉय W, W इस टेबल का एलियास है, राइट। एम्प्लॉयज़ ये समझ लें आप वर्कर है, और इनर ज्वाइन एम्प्लॉय सेम टेबल का एलियास है M, मतलब मैनेजर, ऑन W डॉट वर्कर का जो मैनेजर है, राइट। वर्कर का जो मैनेजर है वो बराबर होगा एम्प्लॉय के, वर्कर का जो मैनेजर है वो है मैनेजर के एम्प्लॉय आईडी के बराबर होगा, राइट। हम यहाँ पे समझ लेते हैं, राइट। ये टेबल है वर्कर की और W, और हम सेम टेबल बना लेते हैं मैनेजर्स की, राइट। हमने क्या करना है, वर्कर का जो मैनेजर आईडी है मैनेजर के एम्प्लॉय आईडी के, राइट। ये जो दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे, और मैनेजर का जो मैनेजर आईडी है, वर्कर वर्कर टेबल का एलियास दिया ना हमने, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। एम्प्लॉयज W और एम्प्लॉयज मैनेजर, राइट। एम्प्लॉयज W, W का जो मैनेजर आईडी है वो बराबर हो गया मैनेजर के एम्प्लॉय आईडी के, राइट। मैनेजर आईडी दिस इज इक्वल टू एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो ये हम काम कर रहे हैं, W का मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय के एम्प्लॉय आईडी के। और यहाँ पे हमने क्या है, W का वर्कर का एम्प्लॉय आईडी लिया, राइट, ठीक है। ये आईडी ली हमने, W का नेम ले लिया, W की सैलरी ले ली, और M का एम्प्लॉय आईडी ले लिया हमने, राइट। क्योंकि W का एम्प्लॉय आईडी मैनेजर के एम्प्लॉय आईडी के बराबर होगा ना, तो ये हमने ले लिया। एम की एम्प्लॉय आईडी ले ली, एम का नेम ले लिया, फ्रॉम एम्प्लॉय W, इनर ज्वाइन एम्प्लॉयज M, ऑन W का मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम के एम्प्लॉय आईडी के, राइट। इसको सेव करें, और ये फॉरवर्ड स्लैश होती है सबसे जो लास्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप ये देखें, एम्प्लॉय आईडी 1 है, तो 1 पे क्या है, आसिफ। इसकी एम्प्लॉय आईडी 2 है, 2 पे कौशिफ, 3 पे इसका किंग है, 4 पे आपका अमान है, और 5 पे ये सईद है, राइट। तो ये सेल्फ ज्वाइन था, तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है अपनी किसी भी सिनेरियो में किसी भी टेबल को सेल्फ ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो एक दफ़ा फिर देख लें, हमने क्या किया है, सेलेक्ट W, दो टेबल्स लिए हमने, उनको इलियासेस दे दिए, एक एम्प्लॉय का वर्कर का दे दिया और एक हमने मैनेजर्स का दे दिया। हमें क्या चाहिए, मैनेजर की आईडी बराबर हो आपके वर्कर की, मैनेजर आईडी बराबर हो आपके एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय आईडी के, राइट। और एम्प्लॉय का नेम भी हमारे पास आ जाए, इस एम्प्लॉय का नेम भी आ जाए। तो इसको हमने कैसे अचीव किया है, सेलेक्ट W डॉट एम्प्लॉय आई डी, W डॉट नेम, W डॉट सैलरी, M डॉट एम्प्लॉय आई डी, M डॉट नेम, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय W, इनर ज्वाइन एम्प्लॉयज़ M पर, मैनेजर पर हमने इनर ज्वाइन किया,
ऑन डब्ल्यू का वर्कर का मैनेजर इज इक्वल टू मैनेजर के एम्प्लॉय आईडी के बराबर, राइट। तो आपको ये आपको रिजल्ट मिल गया। तो ये था आज हमारा लेक्चर जॉइंस के मुतालिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।